क्या समर्पण करने से जीवन सच में बदल जाता है? क्या जिस प्रकार हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं? क्या भक्ति में वाकई बहुत ताकत है? क्या हमारे जो भाव होते हैं वो भगवान ग्रहण करते हैं? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हों। ये प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके इन सब प्रश्नों का उत्तर है इसमें। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। श्री उमा भटियानी जी, जैसलमेर के राजा की बेटी और जोधपुर के राव मालदेव जी की रानी, 1593 में इनका विवाह हुआ मालदेव जी से। महल गई, वहां देखा कि एक बड़ी चंचल दासी महाराज के साथ रहती है। ये बचपन से ठाकुर जी की भक्त थी, अनन्य भक्त थी, बड़ा प्रेम करती थी ठाकुर जी से। मन थोड़ा सा विचलित हो गया, बस इसी बात पर अपने पति को छोड़ करके अपने पिता के घर आ गई। विवाह किया था तो यही सोच के किया था, जब पति के घर जाऊंगी तो भक्ति करूंगी, मेरे भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मेरे ईश्वर और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन जब उस दासी को देखा तो मन विचलित हो गया। ये नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा कारण बने जिससे मन विचलित हो और मेरी भक्ति में कोई भी विघ्न हो। ये सोच करके पति का घर त्याग दिया, पिता के घर आ गई, हरी भक्ति करने लगी। इतनी बड़ी हरि भक्त बन गई, इतनी बड़ी ठाकुर जी की भक्त बन गई कि चारों तरफ इनकी चर्चा हो, हर समय ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहती थी। अद्भुत प्रेम ठाकुर जी के साथ। एक दिन मालदेव जी ने सोचा कि इतनी भक्ति करती है, इतनी सच्ची भक्त है ठाकुर जी की, उनकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए, मन में भाव आया कि मैं अपनी रानी को वापस बुलाता हूं। रानी को बुलाने के लिए भेजा उमा भटियानी जी को। यहां राजा के महल से इनके घर पर संदेश लेकर के राजा के मंत्री गए, जाकर उमा भटियानी जी को संदेश दिया, कहा कि महाराज ने कहा है कि आपकी भक्ति में कहीं भी कोई भी विघ्न नहीं होगा, आप जैसा चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, आप ठाकुर जी की भक्ति कीजिएगा, अपने ईश्वर की भक्ति कीजिएगा, आप महल चलिए वापस। पालके में बैठी हुई जैसलमेर से जोधपुर आ रही थी, रास्ते में एक पद सुना। पद के मायने ये थे कि मान चाहती है तो पति को त्याग दे और पति चाहती है तो मान को त्याग दे, क्योंकि ये दोनों एक खूंटे के साथ नहीं बन सकते। बड़ा सत्य और बड़ा कड़वा वचन है। मन में भाव आया कि मेरे ईश्वर और मेरे बीच में किसी भी तरह का मान सम्मान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई शंका और कोई कारण नहीं होना चाहिए। वहीं रुक गई और इस बात का सम्मान पिता ने भी किया और पति ने भी किया, दोनों ही उनकी भक्ति का सम्मान करते थे, इसलिए दोनों तरफ से आदर मिलता था। उमा भटियानी जी इतनी बड़ी भक्त थी ठाकुर जी की, संतों की इतनी आवा भक्त करती थी, हर जीव के भीतर ठाकुर दिखाई देते थे उन्हें, इतनी आवा भक्त करती थी कि एक बार एक संत आए, संत ने कहा कि एक आयोजन करवाना है, उसके लिए 2000 रुपए की आवश्यकता है। उस समय 2000 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। उमा भटियानी जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने सारे गहने बेच डाले और 2000 रुपए ला करके संत महाराज को दिए और कहा कि लीजिए आप आयोजन करवाइए। इधर वो संत जो है 2000 रुपए लेकर के चले गए आयोजन के लिए, और इधर जब रात्रि हुई तो बताया जाता है कि उमा भटियानी जी के आंगन में वही कंगन, वही जेवर आसमान से आकर के गिरे। जब उमा भटियानी जी ने देखा तो वही कंगन थे, वही जेवर थे
जिन्हें बेच करके उन संत को 2000 रुपए दिए थे। ये बात चारों तरफ फैल गई। उनको किसी चीज से कोई मोह नहीं था, उमा भटियानी जी को। उन्हें मोह था तो अपने ईश्वर से था। ये बात फैल गई तो एक व्यक्ति ने सोचा कि ये तो बहुत सही है, संत वेश में जाता हूं, कुछ भी मांगूंगा तो दे देंगी, और उनके पास तो वापस आ ही जाता है। तो उसने संत वेश बनाया, उमा भटियानी जी के पास पहुंचा, जाकर के कहा कि मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है, दे दो। सच्ची भक्ति हर जीव के भीतर उन्हें ठाकुर जी दिखाई देते थे। आव भक्त की उनको धन दिया और कहा कि लीजिए, अब आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। इनके मन में तो किसी तरह का कोई भाव होता ही नहीं था, कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि सामने वाले के बारे में सोचे कि वो सही इस्तेमाल करेगा कि या नहीं करेगा। ये सिर्फ अपने कर्म में विश्वास करती थी, मन में त्याग की भावना थी, उसी त्याग पर रहती थी। इधर जो वो संत बन के आया था, जो झूठा व्यक्ति था, संत के वेश में आया था, वो व्यक्ति जब नगर की सीमा से बाहर निकलने लगा तो वो अंधा हो गया। तो उसे लगा कि सच्ची भक्ति, मैंने झूठ बोला, शायद इस वजह से हो गया। वापस नगर की सीमा में घुसा तो उसकी आंखें आ गई। अब उसने निर्णय लिया कि मैं नगर से बाहर जाऊंगा ही नहीं, इधर ही रहूंगा, इस धन का इस्तेमाल यहीं करूंगा। लेकिन बताया जाता है कि रात्रि में स्वयं ठाकुर जी स्वप्न में आए और ठाकुर जी ने कहा कि मूढ़, तो इस बात से भी नहीं समझा है कि वो मेरी सच्ची भक्त है। मेरे भक्त का धन भक्तों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, सदकारियों में ही इस्तेमाल हो सकता है। तू मेरे भक्त के धन का दुरुपयोग करेगा, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। घबरा करके स्वप्न से उठा, निंद्रा टूटी, वो धन लिया, उमा भटियानी जी के पास वापस गया, वो धन वापस दिया। बताया जाता है जब राव मालदेव जी का निधन हुआ तो उन दिनों वैदिक प्रथा के अनुसार उमा भटियानी जी ने अपने पति के साथ सती प्रथा को निभाते हुए उनके साथ सती हो गई थी। ठाकुर जी की अनन्य भक्ति। दोस्तों, ये प्रसंग हमें बताता है कि जब हम त्याग की भावना रखते हैं, सच्ची भावना रखते हैं, आस्था रखते हैं और विश्वास करते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में, इस धरती पर जो कुछ भी है मेरे ठाकुर का है, मेरे ईश्वर का है, और किसी भी चीज पर मेरा अधिकार नहीं है, चीज मेरी नहीं है, कोई भी चीज मेरी नहीं है, ये सारी भौतिक चीजें, सारी सुविधाएं, सब कुछ मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है। जब इस भाव में रहते हैं और इस भाव से दूसरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं तो यकीन मानना, ईश्वर आपके भंडारों को कभी खाली नहीं होने देंगे, आपके खजानों को कभी खाली नहीं होने देंगे। यदि आप नियत से और नियति से कोई भी कार्य करते हैं तो यकीन मानना, जिस कार्य में आप ईश्वर को साथ लेकर के चलते हैं, भक्तिपूर्ण करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, आस्था से करते हैं, उस कार्य में स्वयं ईश्वर आपके साथ ही होते हैं। तो आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके धन का, आपकी संपत्ति का, आपके भाव का, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति को लगेगा जो आपके साथ धोखा करना चाहेगा कि मैंने धोखा कर दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फिर ईश्वर उस बात का उत्तर देंगे, ईश्वर उस व्यक्ति को जवाब देंगे। आप एक बार समर्पण करके देखिए, जब आपका समर्पण हो जाता है तो आपकी जगह हर कार्य को ईश्वर पूर्ण करते हैं। हम सब जानते हैं जब अर्जुन ने संपूर्ण समर्पण दिया तो वो युद्ध जिसे कभी कोई जीत नहीं सकता था कौरवों से,
उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा थे, पितामह भीष्म, गुरुद्रोण, कर्ण, सब परास्त हो गए क्योंकि अर्जुन ने समर्पण दिया था ठाकुर जी को। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो आप यकीन मानना, हर पल हर क्षण ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो भी है जो हम सब जानते हैं, जब दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी ने भरे महल में, जहां दुशासन चीर हरण कर रहा है, लेकिन उसी क्षण द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण को आवाज दी थी, कहा था कि हे कृष्ण, तो भगवान पल भर में वहां थे। तो एक बार समर्पण करके देखो, त्याग करके देखो, अपनी भक्ति पर, अपने भाव पर विश्वास करके देखो, अपने ईश्वर पर विश्वास करके देखो, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आपका समर्पण, आपका त्याग आपको ईश्वर की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है विश्वास। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।